हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मीता ब्लॉग एंड रसोई चैनल पर। आज हम बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सॉफ्ट स्पॉन्जी मार्बल केक। अंडे का बनाएंगे और बिना अंडे का कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। रेसिपी को एंड तक पूरा देखें, पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस कटोरी से मैं यहाँ पर मेजरमेंट करूँगी। तो यहाँ पर हमने लिया है चीनी, ग्राम के हिसाब से देखा है तो 100 ग्राम चीनी है। इसे हमें पाउडर बनाना है, तो मिक्सी जार में हमने इसका पाउडर बना लिया है। इसे एक बोल में हम डाल देंगे। अब हम लेंगे दो अंडा, मैं यहाँ पर दो अंडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्सी जार में हम अंडे को डाल देंगे फोड़ के। इस पर हम डालेंगे दो बूंद यानी कि दो ड्रॉप्स वेनिला एसेंस। इसको डालने के बाद हम इसको फिर से एक बार मिक्सी में चला लेंगे। तो बहुत अच्छे से इसको चला लेना। ये देखिए, इसका लिक्विड बन चुका है। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखा है प्री हीट होने के लिए। इसके ऊपर एक स्टैंड रखा है, ढक्कन बंद करके हम इसे हीट होने देंगे। तो यहाँ पर जो चीनी का पाउडर है, इस पर हम जो अंडे का मिश्रण है इसको हम डाल देंगे। और ये है मलाई, होममेड फ्रेश मलाई है। मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मलाई इसमें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, इसके बदले आप यहाँ पर पूरा ही तेल डाल सकते हैं। तो रिफाइंड ऑयल है ये, बिना फ्लेवर का। ये है 1/2 कप यानी कि 50 ग्राम। तो तेल हमने कम डाला है क्योंकि मैंने यहाँ पर मलाई डाला हुआ है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी के साथ में अंडा और सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। इसी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर अंडा नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक कटोरी दूध डालें। दूध आप पहले एक कटोरी डालें और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में आप थोड़ा थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें बैटर को अच्छे से फेंट लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा बैटर जो बन चुका है इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे मैदा। मैदा मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लिया है यानी कि 150 ग्राम जितना मैदा है। आप चाहे तो यहाँ पर आटा भी ले सकते हैं। इसका 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, और इसी चम्मच का 1/2 चम्मच हम डालेंगे बेकिंग सोडा। जितना बेकिंग पाउडर है उसका 1/2 डालना है सोडा। तो इसी तरीके से हम डालने के बाद में सब कुछ एक साथ में इसको छान लेंगे। इसे ज़रूर छान लें, तब जाके सारा जो मिश्रण होता है ना उसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनती है, लम्स नहीं बनता है। तो देखिए, हमें यहाँ पर सारे मिश्रण को एक साथ में मिलाना है इस तरीके से। तो बिल्कुल हमें बैक नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते रहना है। तो कैसे मैं यहाँ पर घुमा रही हूँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। केक के लिए जो मिश्रण होता है, इसे हमें जो मिलाना होता है ना, यही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ही अच्छे से हमें मिलाना होता है, तब जाके हमारा केक जो होता है सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है और बिल्कुल भी उसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दूध डाला है 2 चम्मच जितना। तो कंसिस्टेंसी देख के हमें इसमें दूध को ऐड करना है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो और थोड़ा सा डालेंगे या फिर नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर अगर आप अंडा नहीं डालते तो वही मैं बताया था, दूध आप 1 कटोरी डालें, बाद में यहाँ पर जितना चाहे थोड़ा थोड़ा करके दूध आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच दूध और ऐड किया है और आप अच्छे से मिलाएँगे। बहुत ज़्यादा थिक बैटर नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। परफेक्ट कंसिस्टेंसी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी हम डालेंगे वैनिला एसेंस। यहाँ पर 3 ड्रॉप्स हम वैनिला एसेंस को डाल देंगे। जब अंडा को मिक्स किया था उस टाइम भी हमने 2 ड्रॉप्स डाला था, क्योंकि अंडे का जो कच्चा स्मेल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब हम दिखा रहे, ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। परफेक्ट बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब हम एक दूसरा बॉल ले लेंगे, क्योंकि इसे हम मार्बल केक बनाएंगे तो इसका हम 2 हिस्से में बांट लेंगे। दूसरा बॉल में हम 1/2 बैटर को डाल देंगे। अब हम एक में डालेंगे कोको पाउडर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/6 चम्मच का 2 चम्मच डाल रही हूँ कोको पाउडर। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। तो पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। कलर अगर आप थोड़ा सा डार्क चाहते हैं तो इसमें 4 चम्मच जितना कोको पाउडर ज़रूर ऐड करें। तो ये देखिए, हमने इसको मिक्स कर लिया है। मुझे लगता है कि कलर थोड़ा सा लाइट है तो हमें थोड़ा सा और मिक्स करना होगा। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच जितना कोको पाउडर और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा दोनों ही बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम केक मोल्ड ले लेंगे।
जिसमें हम केक को बेक करेंगे। तो ये देखिए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको ग्रीस कर लेंगे। अगर आप बटर पेपर नहीं डालना चाहते हैं तो इसके लिए इसमें आप डालें मैदा। तो मैं यहाँ पर पहले दोनों ही प्रोसेसिंग दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने मैदा डाला है, मैदा से अच्छे से डस्ट करके बाकी जो एक्स्ट्रा आटा उसको फेंक देंगे। तो सेम तरीके से हम इसमें फिर से ऑयल लगाएंगे और एक बटर पेपर रख देंगे। अगर प्लेन पेपर है तो वो भी आप रख सकते हैं और उसके ऊपर से ऑयल लगाना है। हम केक मोल्ड में एक एक करची करके बैटर को डालेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बीच में हम डालेंगे वैनिला बैटर, उसके बाद हम डालेंगे चॉकलेट बैटर। तो बिल्कुल मिडिल पे डालना है और एकदम हल्का हाथों से डालना है। यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है, हल्का हाथों से हमें बैटर को डालना है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, अगर हमने बहुत ज़्यादा इसको पतला रखा होता तो बहुत जल्दी फैल जाता, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनता। तो इसी तरीके से हम बैटर को डालते रहेंगे। तो सारा बैटर हमने इस तरीके से डाल दिया एक के ऊपर, चॉकलेट और वैनिला दोनों को हमने इस तरीके से डाला हुआ है। अब हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक बार हम नीचे से इसको नाइफ छुरी या फिर आप कोई पिन भी ले सकते हैं, यानी कि कोई स्टिक ले सकते हैं। तो इसी तरीके से एक बार नीचे से एक बार ऊपर से हम इसको लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये अगर आपका मन है तो आप करें, वरना ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मार्बल केक का बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे हीट होने के लिए गैस में रख देंगे। तो सबसे पहले मीडियम फ्लेम में हम 10 मिनट तक कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 मिनट के बाद मैं आपको एक बार चेक करके दिखाती हूँ। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे लो और हम इसे 20 मिनट तक और इसको बेक करेंगे। तो अब हमारा 20 मिनट हो चुका है, हम आपको चेक करके दिखाएंगे। एक पिन ले लीजिए या फिर आप कोई भी स्टिक लीजिए। तो ये देखिए, अगर इसमें बिल्कुल भी बैटर नहीं लगता है इसका मतलब परफेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी बैटर नहीं लगा हुआ है, यानी कि केक हमारा एकदम अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। 10 मिनट मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए एक प्लेट में हम इसको डाल देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट केक बनकर तैयार है। तो यह जो बटर पेपर है इसको निकाल देंगे, केक को हम सीधा कर लें तो देख सकते हैं कितना अच्छा केक बनकर तैयार हो चुका है। घर पर हम इतना प्यारा सा केक बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम मार्बल केक को कट करके भी दिखाएंगे कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके आप लोग ज़रूर बोलिएगा कि ये केक कैसा लगा आप लोगों को, ये होममेड केक बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी। तो देखिए मार्बल केक बनकर बिल्कुल तैयार है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।